देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो पश्चिम बंगाल से, पुरुलिया से ममता सरकार में जिस प्रकार से पालघर 2 दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है उस समय संत सुरक्षित नहीं है। उस समय गैर बीजेपी सरकार में बंगाल में और तमाम जगह संत मारे जा रहे हैं। यानी यह किसी भी तरीके से इससे बड़ा आसुरी, इससे बड़ा राक्षसी राज्य कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ऐसे प्रदेशों में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होने चाहिए। संत समाज आखिर कब तक सोता रहेगा? जागृत हो और इनको सबक सिखाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार आप महाराष्ट्र के जब उद्धव सरकार थे, उस समय जो है किस तरह पालघर में हमारे संतों की हत्या हुई, और फिर बार बार इस तरह संतों को बेरहमी से उनको नंगे करके मारा गया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। वो अखाड़े के लोग थे, संत थे। हमें लगता है अखाड़े के लोग जागृत हों, अखाड़े के आचार्य जितने हैं, प्रमुख हैं, वो जागृत हों, और निश्चित रूप से इन जो सनातन विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। आज नहीं खड़े होंगे तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। सर, जो वीडियो सामने आया 30 सेकंड का, उसमें निर्वस्त्र करके साधु को मारा गया और कई लोग खड़े थे, तमाशा बता रहे हैं। एक समय सीमा के अंतर्गत सरकार निश्चित करे, ममता सरकार उनको गिरफ्तार करके तत्काल सजा दिलाए, और नहीं दिला पाते हैं तो केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि बंगाल की सरकार को तत्काल भंग किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, वहाँ न हिंदू सुरक्षित है, न संत सुरक्षित है, न कोई सुरक्षित नहीं है। बड़े शब्दों इसलिए में निंदा करते हैं आप इसको? बिल्कुल यह बहुत ही अति निंदनीय है, ये बहुत ही भर्त्सना मैं करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तत्काल रूप से जो इसमें दोषी है गिरफ्तार किए जाए।